अमेरिका में भीषण बाढ़ और तूफान से करीब 50 लोगों की जान चली गई है। दर्जनों इमारतें ध्वस्त हो गई, जिसके बाद अमेरिका के कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। नाइजीरिया में बोको हराम के आत्मघाती हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के होम्स शहर के अलजहरा में बम धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई, 90 लोग घायल हो गए। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा सालाना आय वालों को अब राज्य सरकार केंद्र सरकार एलपीजी के सब्सिडी की सुविधा नहीं देगी। तमिलनाडु में रामेश्वरम में आज से शुरू होगा डॉक्टर कलाम के स्मारक का निर्माण कार्य। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ 24 घंटे सक्रिय रहने वाला साइबर सेल बनाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल के घर में छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी नातिन की दावती वलीमा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई पगड़ी पहनी। गुड़गांव में एक कॉलेज के बाहर से कथित रूप से अपहृत छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थानीय लोगों ने एक रोटी बैंक की स्थापना की है, जो जरूरतमंदों को रोटी बांटता है। रिपोर्ट में अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकियों की पुलिस हिरासत में 11 जनवरी तक बढ़ा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को अपने जख्म हरे रखने की जरूरत है। गोंडा को आदर्श स्टेशन का दर्जा मिलने के बाद अब यहां जल्द ही सुविधाओं में भी इजाफा हो जाएगा। देवरे के पटरी गांव में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प में एक नया मोड़ आया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने एक ऐसे शख्स को आरोपी बनाया है जिसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। मेरठ की समर गार्डन कॉलोनी में 6 बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी के घर बंदूक की नोक पर 3 लाख से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया। आगरा में बदमाश बेखौफ हैं और वारदातों का अंजाम देने लॉर्ड्स कॉलोनी में एक परिवार को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की गई। फरीदाबाद में पुलिस ने शातिर लुटेरों के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। कन्नौज में बल्लपुरवा गांव में हार से बौखलाए पूर्व प्रधान ने नवनिर्वाचित प्रधान के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पुलिस सिपाही को जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी गई। फरुखाबाद में पिछले एक दिन से गायब बच्ची का गन्ने के खेत में शव मिला है। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। सुल्तानपुर में एक युवती का अपने ही घर में शव मिला है, उसकी भी हत्या की आशंका जताई जा रही है और ये आशंका भी है कि उससे पहले बलात्कार किया गया।